एक स्टीप फॉल दिखा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और स्टीप फॉल आया किस लिए उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि आपको एक पैनिक जरूर इस समय सुनाई दे रहा होगा हर जगह पर, जो कि है कोविशील्ड के रिगार्डिंग। कोविशील्ड एक कोरोना की वैक्सीन है, अगर जो अनजान है वैसे आप लोग जानते ही हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन है, मैक्सिमम हमारे इंडिया में वो मैक्सिमम लोगों को लगी थी, मुझे भी लगी है दो डोज उसका, एक तो फुल डोज लगा था, उसके बाद में एक बूस्टर डोज लगा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को भी लग गया होगा। और आजकल अफवाह फैल रही है कि यार रात के बजने करीब 10, दिन भर काम करने के बाद में टायर्डनेस आ जाती है, ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाना बनाना है, 12 बजे तक आप लोगों को परोसना है 12 एक बजे तक, उसके बाद में फिर सोया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है। चलिए ठीक है, फर्ज क्या बनता है आपका, कोई बात नहीं, आप हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वही आप हमारे लिए बहुत है, और आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या प्यार और आशीर्वाद बना रहे वही बहुत है। तो क्या होता है कि आजकल ये पैनिक जो फैला हुआ है, ये किस लिए फैला हुआ है, डर का माहौल है, क्योंकि कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी लिया है कि यस इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को इसका साइड इफेक्ट होगा। अब हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आदमी जरूर कंडम होने की या लाइफ जाने की संभावना रहती है मैक्स टू मैक्स, बट बोलते हैं ना डर के आगे जीत है यार, जो डर गया वही मर गया। आपको मैं एक जो एग्जांपल बताना चाहूंगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर देखेंगे मार्केट वर्क, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एजुकेशनल चैनल है तो इस पर बताना जरूरी है। तो क्या हुआ था कि एक राजा था, उस राजा को क्या है कि बोलते हैं ना सुखरोगवा हो गया था, सुखरोगवा उसको ऐसे लग गया कि यार मैं तो बीमार हूं। अब बीमार हूं, उसने पूरे राज्य के वैद्यों को इकट्ठा कर लिया, बोला मेरे को ठीक करो। अब उसको जब कुछ बीमारी हो तब तो ठीक हो, अब जो भी इलाज उसका शुरू करे, राजा और सूखना शुरू। तो उसके बाद में फिर सूखना तो शुरू नहीं कर सकते हैं, मतलब राजा को अच्छा फील नहीं हो रहा, फील गुड का फैक्टर नहीं आ रहा उसको, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में एक आया अनाड़ी सा, हमारे आप जैसा, उसने बोला राजन आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी। कहे की चीज? बोला आपको किसी एक सुखी इंसान की ना कमीज एक दिन रात भर पहननी पड़ेगी, अगर आप पहन लोगे ना तो आप बिल्कुल सुखी हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना नैतिक शिक्षा का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, हमारे काम बहुत आती है, और उसे आपको खुद मांगना पड़ेगा, दूसरे के नौकरों चाकरों से मंगाने से उसका फायदा नहीं होगा। राजा निकल गया राज में, सबसे मिलता रहा, भाई मुझे एक सुख की शर्त दे दो, दुनिया अपना दुखड़ा रोना शुरू। राजा सोचा यार सारी दुनिया अगर दुखी है तो फिर मैं कैसे दुखी हूं, मैं भी दुखी हूं सबके साथ। वो और दुखी होने लगा, तो वो गया ये किसान जो है ना मस्त मौला गाना गाए जा रहा है, नंगे बदन और रिमझिम बरसात हो रही है, हल जोते जा रहा है। बोला भाई आप सुखी हो? बोला हाँ एकदम सुखी हूं, मेरे बैल देखो सुखी हैं, धरती पर बारिश हो रही है, मैं भी सुखी हूं, उसके बाद में फसल बढ़िया होगी, मेरा परिवार भी सुखी है, वाह वाह है, बल्ले बल्ले है, और उसके बाद में दाल रोटी चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी। राजा बोला भाई उससे हाल चाल लिया है होकर के, बोला मेरे को सुखी इंसान मिल गया। उससे बोला भाई मेरे को एक रात के लिए अपनी शर्ट दे दो, मुझे पहननी है। बोला लो मेरे पास कोई शर्ट वर्ट नहीं है। राजा की आंख खुल गई, बोला जिस आदमी के पास पहनने के लिए एक शर्ट नहीं है और वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, पहला इंसान मिला जिसने बोला मैं सुखी हूं, संपन्न हूं और आशा के ऊपर, उम्मीद के ऊपर चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है यार, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। कहानी छोटी सी है लेकिन शिक्षाप्रद है। कुल मिलाकर के यह है कि उसकी इसका लेसन ही हमें मिलता है कि यार देखो उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, बारिश हो रही है, प्रॉफिट आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं। कोविशील्ड को भूल जाओ, कोई भी मन में अगर संदेह आ रहा है तो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना, ये गूगल फूगल करके और उसके बाद में ये सब चीजें मत देखते रहना, ठीक है ना। और डॉक्टर से अपना क्या करना, अपना जो है
चेकअप करवा लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको चाहे आप अपना शुभचिंतक मान लो, चाहे अपना भाई मान लो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, फल और सब्जी का ज्यादा ज्यादा सेवन करें, लेस फैटी भोजन करें, एक्सरसाइज अपना रूटीन एक्सरसाइज बनाए रखें, इम्यून सिस्टम बरकरार रहेगा, ब्लड में कोई भी ब्लड आपका अपना गाढ़ा ही नहीं होगा, तो उसका कोई फर्क तो पड़ने से रहा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे, डरेंगे तो नहीं एटलीस्ट, क्योंकि सांप के काटने से ना मैक्सिमम जो इंडिया में मैं बता रहा हूं, बाकी का छोड़ दो, आधे आदमी पॉइजन की वजह से नहीं डर की वजह से मर जाते हैं, हार्ट अटैक उनको आ जाता है। तो सोचना ही नहीं इस बात पे, बस यही दो तीन चीजें अपनानी है। एक तो पहला हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें कि फल और सब्जियां हों, दूसरी चीज फैटी फूड नहीं लेनी है, तीसरी चीज एक्सरसाइज करनी है, चौथा अगर मन को संदेह हो रहा है तो डॉक्टर से चेकअप करवा लो, लगने लो, इसीलिए आपके पास इमरजेंसी फंड बनवाया हुआ है, इसीलिए आपके पास सेफ्टी रूल बनवाया हुआ, बस हो गया। 99 के चक्कर वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्केट की और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, वो भी जरूरी है, जो कि मुद्दा है। मार्केट में क्या है ना, अभी ऑल टाइम हाई बना अगेन, तो ऑल टाइम हाई के बाद में क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नंबर वन। नंबर दूसरा क्या है कि जैसे किसी किसी को ना स्मेल से समझने की आदत होती है, वैसे वैसे लोगों में सुबुगाहट सी तो चल ही रही है, और ये मैंने भी आप लोगों से उस चीज को शेयर किया हुआ है। क्या आर्ट हो रही है, आर्ट ये हो रही है कि लार्ज कैप ही झोंके, मिड कैप ही झोंके, ठीक है ना। अभी 2008 का जो क्रैश आया था, जिन्होंने 2008 को देखा है वो उन चीजों को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार के सीन होते हैं, दोनों स्टेटों में इलेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो लार्ज कैप और मिड कैप इज क्वाइट ओके, बट स्मॉल कैप कहीं ना कहीं जो इतना सारा जो पैसा आ रहा है ना, मेन बात क्या हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई की। आप लोग, मैंने पहले बताया हुआ है कि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा होने की वजह से मुझे ये चीज अच्छे से समझ है, वैल्यू वाली समझ है, समझ रहे हो बात। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ये आइटम हो गया, अब इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए ना, ये कॉस्ट किसके ऊपर चल रही है, डिमांड के ऊपर चल रही है। अगर डिमांड ज्यादा हो गई तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब मान लिया 5 है, आदमी मांग रहे हैं 10, समझ रहे हैं, तो 10 आदमी मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेट इसका बढ़ा देंगे। उसी प्रकार हुआ है कि तकरीबन मान करके चलो मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप में आज के टाइम पर इक्वल जो 18-19 हजार रुपया आ रहा है ना, तकरीबन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन और वैल्यू किसकी जनून होगी, जाहिर सी बात है आप भी बोलोगे लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप भी, उसके बाद में स्मॉल कैप भी। तो स्मॉल कैप की आपको बात सही है कि उसकी खूटी कम है, औकात कम है, बट संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, समझ रहे मेरी बात, अरे बात समझ रहे ना। तो इस बात पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सुगुगाहट तो हो ही रही है, अब सेबी उस पर फैसला ले रही है, सेबी ने फिर अगेन स्टेटमेंट दे दिया है। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ है कि जब अपर लेवल पे मार्केट पहुंची है तो जिस हिसाब से वैल्यू बढ़नी चाहिए उस हिसाब से पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ी नहीं। मींस क्या हुआ कि कुछ शेयर से ही चले हैं, बाकी नहीं चले हैं, बात समझ रहे हैं मेरी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा गिरावट वगैरह देखा जाए, या हो सकता है मेजर फॉल भी आ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इस समय क्या हुआ कि जो चालाक लोग हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जैसी टॉप पर पहुंची है, हैवीली प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है। अब आने वाले समय पर ये यही ढर्रा रहता है या यहां से आगे चलती है, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, बट हमें क्यों नहीं डरने की बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन हमारे पास है। अगर हमें जरूरत होती तो हम बेच करके हम आपको बोलते, कल भी मैंने बोला था कि अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि आपको 7-8 साल में पैसे की जरूरत है, आप ज्यादा दिन से इन्वेस्टेड हैं, तो पैसा निकालना शुरू कर दो, बोला था ना, आप लोगों को याद होगा, कहीं ना कहीं तो था, तभी तो हमने बोला था। उसके बाद में फोमो और फड में नहीं आना, ये भी बोला था, पता है आपको। तो
देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, एसआईपी रूट से चलने दीजिए। जब थोड़ी सी गिरावट आएगी तो बाई एंड डिप हम भी करेंगे, आप भी करिए, देखी जाएगी गिरेगी कितना गिरेगी, तब की तब देखी जाएगी। जब हमारे पास जितनी अर्निंग होगी उस हिसाब से हम भी बाई करेंगे, करेंगे ना हम भी, क्योंकि आपको पता है 2008 में डीआईआईज नहीं थी, नहीं तो अब तक कब तक एफआईआईज इसको गिरा दी होती। लेकिन आज के टाइम पर जितना वो बाई करते हैं सेल करती हैं उससे कहीं ज्यादा डीआईआई बाई कर ले रही हैं, बात समझ रहे हैं। तो लोगों में सिर्फ और सिर्फ पैनिक अगर नहीं फैलेगा ना तो पक्का उतनी बड़ी गिरावट भारत में नहीं आने वाली। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स और जो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स है ना 30% 40% भी अगर गिरती है तो इसको एब्जॉर्ब करके सस्टेन कर लेंगे, और सस्टेन करने के बाद में ये उस समय जम करके बाय करेंगे। मेन बात क्या हो रहा है ना कि सपोज करो अगर लार्ज कैप को सेलिंग पड़ती है ना तो उसको कोई भी जैसे सस्ता होगा खरीद लेगा, मिड कैप को भी खरीद लेगा क्योंकि लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लोग नाम ही नहीं जानते। तो आज अगर उसकी वैल्यू 300 रुपए हो गई है ना तो एक बार भगदड़ मचने के बाद में 30 या 50 रुपए में उसे खरीदार नहीं मिलेंगे, बात मैं समझ रहे हैं। बेशक ठीक है मैं टायर्ड हूं, मुझे उबासी सी आ रही है, बट वही बोलते हैं ना मन से नहीं थका हूं तो थकावट हो ही नहीं सकती है, कैसे होगी ये बात आपको बतानी है। कैसे बतानी है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर तो तकरीबन सेफ रहेगा, क्यों, अगर वो रिडीम करेगा तो उसका फंड मैनेजर उसको बेच बाज के दे देगा। लेकिन जिन्होंने सिंगल स्मॉल कैप लिया है वो अगर बेचना चाहेंगे उनका खरीदार कौन मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी प्रॉफिट कहां बनना है, स्मॉल कैप में बनना ज्यादा, क्योंकि तो रिस्क ज्यादा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है देखेंगे, फिर वेट करेंगे, उसमें से हो सकता है दो चार जाए, बट म्यूचुअल फंड में तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ गिरावट में अगर हमने बेचा नहीं, हम अगर टिक गए हैं तो हमारा फंड मैनेजर हमें फिर वापस में प्रॉफिट दिखाएगा और उसी रेंज में दिखाएगा जब तक चलता आया है, बात मेरी समझ रहे हैं। तो काफी सारे लोग काफी सारी बातें करेंगे, बट ठीक है पंटर क्या करेगा, ऑपरेटर क्या, मैं ऑपरेटर को वो बोलता हूँ, मैं पंटर ही बोलता हूँ, तो पंटर क्या करेगा हमने नहीं सोचना है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपने देश की तरक्की पर ग्रोथ पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों मेरा फार्मूला जरूर याद रखना, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लग सकता है। थैंक यू।